अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रशीद अहमद है। 2019 में लॉकडाउन से पहले हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट किए थे, मैं और मेरे दोस्त पार्टनरशिप फर्म में। फर्स्ट टाइम जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर पेंट्स एंड हार्डवेयर का एमआर ट्रेडर्स के नाम से, तब हमारे पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं था, हमको सेल्फ इन्वेस्ट करना था। उसके लिए हमारे पास कोई सोर्स अदर नहीं था सिवाय लोन लेने के। लोन के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत था और बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से हम उनसे लोन नहीं ले सकते थे, हम चाहते भी नहीं थे उसको इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए हमने एक प्लॉट जो प्रॉपर्टी की शक्ल में था हमारे पास इन्वेस्ट किया हुआ, उस प्लॉट को सेल करने के बाद जो है सो उससे जो अमाउंट आया यहाँ पर हम लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे थे फर्स्ट। इसके बाद अदर सेक्शन स्टार्ट करने के वास्ते हमारे पास कोई अमाउंट नहीं था, इसके लिए इन्वेस्टर देख रहे थे। प्रणय वेंचर्स वालों से हमारा जब मीटिंग हुआ तो उन्होंने हमको एक प्रोसेस बताया, उन्होंने हमारे को 5 लाख लोन का ऑफर दिया ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और हमने उसको एक्सेप्ट किया। उसका रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो ये है कि 5 लाख रुपीज़ जो है सो अप टू 30 मंथ्स तक जो है सो एग्रीमेंट में है कि हम 30 मंथ्स का उसका एग्रीमेंट रहता। उसमें आप जो शेयर है 5 लाख का उसको कम करते हुए 50,000 1 लाख ऐसा पे करते हुए माइनस करते हुए अपना शेयर इक्विटी कम कर सकते हो उसमें। उसके लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। अगर लॉस होता है तो हम उसको रीज़न बता के जो है सो उसमें भी वो लोग हमको पार्टिसिपेट करने का ये ऑप्शन बताया उसको, पर हमारा पूरा कोशिश ये है कि वो लॉस होंगे तो हम लॉस होंगे, इसलिए जो है सो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर दो पार्टी भी जो है सो फायदे में रहना। सर, ये पार्टनरशिप से सेटिस्फेक्शन का अगर 100% फिगर दे रहे हैं तो मेरे लिए वो भी कम है, उससे मोर देन 100% हम सेटिस्फाइड है। क्योंकि आज के ज़माने में इंटरेस्ट फ्री इस तरह का जो है सो प्रणय वेंचर्स वाले की तरह ऑफर देना कोई ऑफर नहीं दे सकता है। 100% हम सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने विदाउट एनी कंडीशन, ओनली कंडीशन दैट वी हैव टू रन बिजनेस, इस कंडीशन से हमको जो है सो विद इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है उनको। फ्यूचर प्लान में अभी तो हम लोग 3 आदमी काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान में हम लोग और मैन पावर बढ़ाने का प्लान है हमारा।